सत श्री अकाल, साडे चैनल उत्ते एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत करते हैं। अज असीं जुड़े हैं एक होर वड्डे अपडेट दे नाल, जो कि एयर कनेडा वालों ये डायरैक्ट फ्लाइट्स उपर अपडेट दिता गया है। स्टूडेंट्स एक लिए वेट कर रहे हैं कि कदों ये डायरैक्ट फ्लाइट्स इंडिया टू कनेडा लिए ओपरेट कर रही हैं। एयर कनेडा ने कन्फर्मेशन लैटर में जानकारी देता दसिया, जिस दे विच उन्होंने अपनिया इंडिया टू कनेडा दी डायरैक्ट फ्लाइट्स उपर जानकारी दिती है। उन्होंने दसाया कि 22 अप्रैल तो जो इंडिया टू कनेडा दी डायरैक्ट फ्लाइट्स उपर रिस्ट्रिक्शन लगियां सन, उन्हां दी वजह कारण एयर कनेडा नूं अपनियां फ्लाइट्स नूं वार बार रीशड्यूल करना पै रहा सी। हुण इन्हां डायरैक्ट फ्लाइट्स उपर 21 अगस्त तक बैन लग्या होया। तुहानूं दस दईए कि कनेडा सरकार ने इस बैन उपर 18 अगस्त नूं फैसला लैणा है। 18 अगस्त नूं जो भी अपडेट आउंदा असीं तुहाडे नाल इस चैनल उपर जरूर शेयर करांगे। एयर कनेडा ने अपने रीशड्यूल प्लान बारे जानकारी देंदिया दस्सिया कि वो अपनियां दिल्ली तो कनेडा जाण वालियां डायरैक्ट फ्लाइट्स 4 सितंबर तो मुड़ शुरू करन जा रहे हन। फिलहाल जो कनेडा ने बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन लगाईआं हन वो 7 सितंबर तक लगाईआं ने, बट एयर कनेडा ने कन्फर्मेशन लैटर विच 4 सितंबर तो डायरैक्ट फ्लाइट्स मुड़ शुरू करन दी गल कही है। ये लैटर तुसी अपनी स्क्रीन उपर वेख सकदे हो। इस अपडेट के नाल एक बुरी खबर भी आ, जो कि कनेडा विच कोविड के नवे केस पाए गए हैं। इन नवे केस के नाल स्टूडेंट्स के मनों में सवाल पैदा होने शुरू हो गए हैं कि ये डायरैक्ट फ्लाइट्स उपर रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगी या फिर नहीं। जो भी उन्हों वालों अपडेट दिता जाता असी अगे इस चैनल उपर वो अपडेट शेयर करांगे। तो तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ता जो असी आने वाले अपडेट तुहाडे तक पहुँचा सकीए। धन्यवाद।